के बाद क्या करें? भाई ये काफी कॉमन और काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। कोई बोलेगा कि भाई मेरा बच्चा तो डॉक्टर बनेगा, क्योंकि भाई बाजू वाले कपूर अंकल का लड़का डॉक्टर ही कर रहा है, तो मेरा बच्चा भी डॉक्टर बनेगा। कोई बोलेगा कि मेरा बच्चा सीए बनेगा, क्योंकि भाई सीए में पैसे ज्यादा है, तो मेरा बच्चा सीए बनेगा। और कई कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे को अच्छा गाइडेंस प्रोवाइड नहीं कर पाते, क्योंकि वो कम पढ़े लिखे होते हैं। तो एक्चुअली में 10वीं के बाद क्या करें, 10th पास के बाद क्या करें, उसके लिए आज का ये वीडियो आपके लिए मैं लेके आया हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त चिराग परमार, और एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो भाई 10वीं के बाद एक्चुअली क्या करना चाहिए? तो भाई अपने पहले बच्चे को पूछो कि 10वीं के बाद उसे किस चीज में रुचि है, उसका मन किस चीज में है, क्योंकि जिस चीज में आपका मन होगा उसी चीज में आप अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकते हो। और अभी आप 10वीं क्लास में पढ़ रहे हो, तो भाई आप ये डिसीजन लेने में अभी इतने सक्षम नहीं हो, आप ये डिसीजन ले नहीं पाओगे कि एक्चुअली आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। मगर हाँ, थोड़े साल के बाद आपको पता चलेगा कि साला उस टाइम मेरा इंटरेस्ट तो इस चीज में था और मैंने वो किया ही नहीं। मगर दोस्तों, अगर आपको अच्छी गाइडेंस मिल जाती है, अभी से आपके पेरेंट्स एजुकेटेड हो गए और आपको अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, तो भाई वो आपका भला ही करेगी। दोस्तों यहाँ पे मैं अच्छी गाइडेंस की बात कर रहा हूँ। गाइडेंस बच्चे को दीजिए, ना कि बच्चे को फोर्स या इन्फ्लुएंस कीजिए, क्योंकि फोर्स में लिया हुआ डिसीजन बच्चे का पूरा करियर बिगाड़ सकता है। और दोस्तों 10वीं के बाद क्या करें, उससे पहले आप लोगों ने भेड़ चाल के बारे में तो सुना ही होगा। भेड़ चाल यानी भेड़ों का एक झुंड जाता है, उसमें एक लीडर होता है और उसके पीछे सारी बकरियां जाती है। मतलब कि अगर 5-10 मित्रों का ग्रुप है, उसमें से एक बंदा इंजीनियरिंग करता है और उसके साथ सभी लोग इंजीनियरिंग में घुस जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा दोस्त इंजीनियरिंग कर रहा है। तो इसे कहते हैं भेड़ चाल। भाई भेड़ चाल से बिल्कुल बचे, ये डिसीजन काफी गलत है और ये आपके फ्यूचर को बर्बाद भी कर सकता है। भाई ये तो हो गई ज्ञान की बात है। भाई अब बात करते हैं कि 10वीं के बाद आपको क्या करना चाहिए। तो भाई 10वीं के बाद 3 स्ट्रीम मेन होती है, एक होती है आर्ट्स, दूसरी होती है कॉमर्स और तीसरी होती है साइंस। अक्सर ये माना जाता है कि अगर आपके परसेंटेज 50 से कम आए हो तो आपको आर्ट स्ट्रीम ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि ये काफी इजी होती है। दोस्तों 95% से ज्यादा लोगों को पता नहीं है कि आर्ट स्ट्रीम में भी आपका फ्यूचर सेट हो सकता है। अगर आप अच्छे वक्ता हो तो आप फ्यूचर में लॉयर बन सकते हो, जज बन सकते हो, आप CBI ज्वाइन कर सकते हो, आप पॉलिटिकल ज्वाइन कर सकते हो, पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकते हो, अच्छे नेता भी बन सकते हो। ये सब बनने के लिए आपको आर्ट्स ज्वाइन करना पड़ेगा। दोस्तों आर्ट्स के मेन सब्जेक्ट है हिस्ट्री। अगर आपको हिस्ट्री का शौक है तो भाई आप आर्ट्स लीजिए। हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, सोशियोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, ये सब जो सब्जेक्ट है वो है आर्ट्स के, और आर्ट्स में भी आपका फ्यूचर सेट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको 50% या उससे कम आए हैं तो ही आप आर्ट्स ज्वाइन करो। दोस्तों अब बात करते हैं कॉमर्स स्ट्रीम की। दोस्तों अगर आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो, आप अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हो, या कोई अपना स्टार्टअप करना चाहते हो, या आप फ्यूचर में CA बनना चाहते हो, तो भाई ये फील्ड आपके लिए काफी अच्छी है। अगर आपको शेयर मार्केट में इंटरेस्ट अभी से है तो भाई आप ये फील्ड ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको फ्यूचर में बैंक मैनेजर या फिर अकाउंटिंग की जॉब करनी है, आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट वहां पे है, तो भाई आपको कॉमर्स लाइन अभी से चूज करनी पड़ेगी। भाई कॉमर्स के मेन सब्जेक्ट है अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडी, ये मेन सब्जेक्ट है। आपको बिजनेस में काफी इंटरेस्ट हो तो भाई कॉमर्स जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि कॉमर्स में आपका स्कोप काफी अच्छा है। अब लास्ट में है साइंस स्ट्रीम। दोस्तों वैसे माना जाता है कि साइंस स्ट्रीम जो लोग करते हैं उनके परसेंटेज काफी हाई होते हैं, वही लोग साइंस स्ट्रीम ज्वाइन करते हैं। मगर आजकल देखा देखी में बाजू वाले ने साइंस लिया है, तो भाई मेरा बच्चा भी साइंस लेगा, भले ही उसको 50% आया, पर मैं पेड में उसको साइंस करवाऊंगा पैसा देके, और उसमें बच्चे का फ्यूचर काफी स्पॉइल होता है। तो भाई अगर आपके अच्छे परसेंटेज आए हैं और आपका इंटरेस्ट साइंस और या मैथमेटिक्स में ज्यादा है, तो भाई आप साइंस ले सकते हो। अभी साइंस में भी 2 पार्ट हो गए हैं। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आप मैथ्स ज्वाइन कर सकते हो, और अगर आपको डॉक्टर बनना है तो भाई आप बी ग्रुप बायोलॉजी ज्वाइन कर सकते हो। ये पूरा डिपेंडेंट है आपकी इंटरेस्ट के ऊपर, आपका जो इंटरेस्ट है उसी पे आप ज्वाइन कीजिए, किसी के इन्फ्लुएंस में आपके मत कीजिए।
क्योंकि भाई ये आपके फ्यूचर का सवाल है। तो दोस्तों 10वीं के बाद ये तो तीन मेन ऑप्शन हो गए, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। अब उसके अलावा क्या हो सकता है? तो भाई उसके अलावा अगर आपको डिप्लोमा इंजीनियरिंग करना है तो भाई आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग भी कर सकते हो। 10वीं के बाद डिप्लोमा इंजीनियरिंग का 3 साल का कोर्स आता है, वो भी आप कर सकते हो। और उसके बाद आप डायरेक्टली इंजीनियरिंग डिग्री भी कर सकते हो। अगर आपका पढ़ाई में कम मन है और आप सोच रहे हो कि मुझे आईटीआई करना है, तो भाई आप 10वीं पास के बाद आईटीआई भी कर सकते हो, वो भी एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए है। मतलब कि दोस्तों अगर आप 10th पास हो तो आप आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, डिप्लोमा और आईटीआई ये सब कुछ कर सकते हो, पर किसी के दबाव में आके मत करो। आपको क्या लगता है आपका इंटरेस्ट किस चीज में है वही आप चूज करो, मेरा आपको यही सजेशन है। क्योंकि भाई जनसोर दास चाचर कह गए हैं कि भाई अपनी एक्सलेंस के पीछे भागो, आपके अंदर जो हुनर है उसके पीछे भागो, सक्सेस तो जख मार के पीछे आएगी। तो दोस्तों 10th के बाद क्या करें इसका कंसेप्ट आई होप कि आप समझ गए होगे, आपका माइंड अब क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या करना चाहिए। अभी भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलेंगे नए कोई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।